हॉकी हमारी नेशनल गेम है तो इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही है और फील्ड में आ रही है। इससे पहले जो बाकी गेम्स जहाँ जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल है, उसमें ज़्यादा लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी क्योंकि उसमें ज़्यादा हमें फील्ड वर्क भी नहीं मिलता है ताकि हम कर सकें और अच्छा ये एक्सपोजर भी नहीं मिलता है। उनके आधी गर्ल्स आना चाहती है आगे, खेलना चाहती है, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव सम काइंड ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन लाइक सोसाइटी, व्हाट दे विल से वी हैव टू चेंज आवर ड्रेस अप ऑल दैट। बट दिस हॉकी इसमें अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, बहुत सारी आ रही है फील्ड्स में और हम चाहते हैं हमें इससे भी ज़्यादा एक्सपोजर मिले ताकि हम आगे जा सके, इससे भी ज़्यादा हमें ट्रेनिंग अवेलेबल हो हमारे कॉलेजेस में ताकि सारी लड़कियाँ इसको देख के नेशनल लेवल पे बूस्ट अप होके नेशनल लेवल पे खेल सकें। जब हमने ये कश्मीर हॉकी एकेडमी शुरू की थी तो हमने सिर्फ बॉयज़ का रखा था, मगर बॉयज़ की एंट्री के ज़्यादा हमें गर्ल्स ने बहुत अप्रोच किया कि बोला कि हमारा क्यों नहीं है, तो रेस्पॉन्ड ऐसा आया कि मुझे मजबूरन गर्ल्स भी शुरू करना पड़ा और मतलब एक्स्ट्रा फंड लाना पड़ा तो गर्ल्स भी ऑटोमेटिकली हमने शुरू करे। अब आप भी देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से हम कंटिन्यूस इनका टूर्नामेंट चला रहे हैं और हर टूर्नामेंट में टीम्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, तो जो आज की गर्ल्स हैं वो इंटरनेशनल हॉकी को जब देखती हैं तो वो भी चाहती हैं कि हॉकी में आएँ, और ऐसा रेस्पॉन्स आना एकदम से बड़ी अच्छी बात है कि मतलब स्कूल लेवल पे आना। इस साल डॉक्टर एजीएम सिटी स्कूल हमारे में इंक्लूड हो गया, मेलनसन की ऑलरेडी टीम्स थी, उनकी 2 टीमें और बन गई, इसी तरह जीडीसी बारामूला शुरू हो गया, फिज़िकल कॉलेज शुरू हो गया, वुमेंस कॉलेज की टीम थी, और भी टीम्स जो हैं वो चाहती हैं कि हम आएँ, एसआरजी मोंटी सर हैं वो भी आनी चाहती हैं।